नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अमेरिका। जी हाँ साथियों, आपको पता है वर्ल्ड में भाई पावरफुल कंट्री है, तो वहाँ के लोग भी फिर उसी माइंड के होते हैं, उसी सोच के होते हैं कि उनको लगता है कि यार हम वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री के नागरिक हैं तो हमारी चल देगी। और ये सच्चाई भी है भाई, कहीं ना कहीं है ना, वो जो पावरफुल होता है ना उनसे थोड़ा बहुत भय होता है, नो डाउट। दो केस के बारे में बात करेंगे, दोनों अमेरिकी नागरिक कुवैत में। जी हाँ, एक बंदे के आरोप लगा तस्करी का, मादक पदार्थों का, लेकिन वो छूट गया बिना जमानत के, बरी कर दिया गया। दूसरे को फांसी की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि कितना ही पावरफुल हो गलत गलत होता है, चाहे कोई भी। और ख़ास तौर से गल्फ कंट्रीज़ में भाई मादक पदार्थों को बिल्कुल गलत बताया गया है, यहाँ पे सीधा का सीधा उसको फांसी, कत्लेआम वगैरह वगैरह आप समझ सकते हैं। तो डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो न्यूज़ है कुवैत की, मैं बता दूँ, दो न्यूज़ हैं। एक अमेरिका का बंदा था, उस पर कोकीन और हीरोइन की तस्करी का मुकदमा लगा। जी हाँ साथियों, पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, उसके हाथ से सामान भी पकड़ लिया जी। लेकिन अमेरिकन जो एक एडवोकेट बोल सकते हैं, अधिवक्ता बोल सकते हैं, उन्होंने उसका केस लड़ा और उसने साबित कर दिया कि ये सामान उसका नहीं था। उसके पास ई सिगरेट जो नशे वाली पकड़ी गई थी, ये सामान उसका नहीं था, ये किसी दूसरे का था। क्योंकि पुलिस ने उसका रक्त का जो ब्लड का एक सैंपल लिया होता है, अगर बंदा नशा किया होता है तो ब्लड में आ जाता है, और वो दो तीन महीने उसका एक लिमिट होती है, महीने दो महीने तक भी वो नशे की मात्रा दिखा देता है ब्लड में। उसकी जांच की गई तो जांच में उसका कोई सैंपल नमूना है वो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया, समझ रहे हो। तो उस आधार पे पुलिस ने उस पे ऊपर झूठा मुकदमा लगा के उसको अंदर डाला, इसलिए उसको बिना जमानत के ही वो बाहर निकल गया, बरी हो चुका था। जी हाँ, ये तो हो गई एक बार। लेकिन वही मैटर एक दूसरे का है, अमेरिकन नागरिक, जी हाँ, उसको भी फांसी की सजा सुनाई है। बंदा अमेरिका ही है, अमेरिका का है वो, पहले अमेरिका उसमें अमेरिकी सेना के साथ भी काम कर चुका है, बड़ा तस्कर जिसको बोल सकते हैं, कोकीन हीरोइन या फिर और भी मादक पदार्थ जो वहाँ गलत होता है उसके रिलेटेड कुवैत में बेचने पे उसको पकड़ा गया और सज़ा उसको सुना दी गई फांसी की। हालांकि सरकार की तरफ से, पूरी अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि उसको बचा लें, लेकिन कुवैती जो सिस्टम है, कानून, लॉ ऑफ वहाँ का कानून कुवैत का है, उसके हिसाब से उसको सज़ा बरकरार रखी गई है फांसी की। जी हाँ, ये 2018 का मैटर चल रहा है, 2 साल लग गए उसको, यानी अच्छी है यार, 2 साल में सज़ा मिल गई। इंडिया में तो भाई 10 साल लग जाते हैं, कुछ कंट्री का फ़र्क होता है। इंडिया में केस कुवैत जैसे तो भाई, कुवैत के तो 20 कंट्रीज हैं, वो इंडिया में मतलब उससे भी बड़ा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम टेबल सेट होता है। कुवैत छोटा कंट्री है, फैसला जल्दी हो जाते हैं, क्राइम बिल्कुल नहीं होते। इस चक्कर में 2 साल में फैसला आ गया, फैसला यह आया कि उसको आरोप साबित मान के फांसी की सज़ा सुना दी गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं, मादक पदार्थों की जाँच में शामिल सुरक्षा अधिकारियों ने अगस्त 2018 में मादक पदार्थों की खरीद के लिए एक अंडरकवर एजेंट भेजने के बाद एरिक को गिरफ्तार किया। यानी ऐसे नहीं हुआ कि उसको पूरी जांच, अंडरकवर एजेंट कुवैत का था, उसने वो उसके पास गया, उसका दोस्त बना, उससे बातें निकली, फिर उसके उसको गिरफ्तार किया पुलिस की मदद से। तब उसके पास, बता दूं, 2,70,000 कुवैत दिनार निकली, लगभग 50,000 के करीब विदेशी मुद्रा निकली, सोने के छड़ निकले, सोने के 3 रोलेक्स घड़ियाँ और भी बहुत सारे पैसे निकले। तो उनसे फिर उस अंडरकवर एजेंट जो दोस्त बन चुका, उसने पूछा कि ये पैसा तेरे पास कहाँ आया, तो उसने साफ साफ उसको बता दिया कि ये पैसा मैं अमेरिका से जो तस्करी का सामान लेके आया था, जिसमें हीरोइन कोकीन वगैरह वगैरह, उसको यहाँ पे बेच दिया, उन पैसों से मेरे पास ये पैसे बचे हैं, जिससे गोल्ड खरीद लिया, घड़ी खरीद ली, बाकी के पैसे मेरे पास हैं। उस हिसाब से उसका फिर जुर्म साबित हो जाता है, आपको पता ही है। उस पर लगभग 3 लाख कुवैती दिनार का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी उस पर अलग से चलाया गया, क्योंकि जो सामान वो वहाँ से लेके आया था और भी बहुत सारे कार्गो सम्प्लेन से वो लेके आया था, वो बिना टैक्स चुकाए, यानी 2 नंबर से कुवैत में उसने सप्लाई किया था। तो पैसा उसके पास आया, वो इलीगल तरीके से कुवैत की बैंकों में, एमबी में, विभिन्न बैंकों में उसने ट्रांसफ़र कर दिया था, ये उसकी जाँच में सामने आया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, जो कुवैत का मेन राजा है, दीवान, अमीरी दीवान, वो अगर उसकी सज़ा माफ़ कर दे फांसी की, तो माफ़ी मिल सकती है, जो जैसे अपने इंडिया में राष्ट्रपति के पास होता है, बाकी उसको फांसी मिलना तय है। तो भाई गलत काम, इनलीगल काम, आखिर में सीख क्या मिलती है, गलत काम इनलीगल काम करोगे तो ये ही सज़ा मिलनी है, छोटा करोगे छोटी सज़ा, बड़ा करोगे बड़ी सज़ा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पड़ोस वालों को भी सतर्क रखें। जय हिंद, जय।